The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर, ये क्या हो रहा है? ठंडा ठंडा आइस वाली स्प्रे का क्रायोथेरेपी, मतलब क्या क्रायोथेरेपी क्या चीज है? यानी कि आप सुपर फ्रीज कर दो अपने शरीर को, यानी कि शरीर को ठंडा फ्रीज कर दो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय। जैसे आप शरीर को कहीं से जला देते हो, वैसे कहीं पे अगर वो बहुत ठंडा कर दो तब भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा शरीर। तो वो चीज आप कर सकते हो, सुपर फ्रीज कर सकते हो शरीर को, उसको बोलते हैं क्रायोथेरेपी। अब ऑब्वियसली बात है, पूरे शरीर को नहीं करेंगे आप, कुछ पार्ट्स को कर सकते हो, कभी कभी पूरे शरीर को भी कर सकते हो, वो अलग टॉपिक है। मगर अभी बात कर रहे हैं कि ये क्या चीज है, क्यों करें, कहाँ करें, क्या करें और करते कैसे। तो इसमें क्या होता है, क्रायोथेरेपी में सबसे ठंडी चीज जो आपने दुनिया भर में पिक्चरों में भी देखी होगी, लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डिप किया जाता है कॉटन स्वैब को और उसको यूज किया जाता है, या फिर एक प्रोब यूज किया जाता है जिससे कि लिक्विड नाइट्रोजन स्प्रे होता है, स्प्रे करके सीधा जहां मारेंगे वहां ठंडा, चिल, बर्फ, खूंखार। और ये आपके डॉक्टर ही करेंगे, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। लेस देन अ मिनट, एक मिनट भी नहीं लगेगा। और इससे होगा क्या, ऑब्वियसली जहां लगेगा वहां पर कुछ डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वो एरियाज के जो टिश्यू होगा उसकी जो ऊपर की लेयर होगी, जहां तक भी वो फ्रीज होगा वो डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा। सो क्यों किया जाता है, क्यों करते हैं? तो ऑब्वियसली जहां पे होगा वहां पे दर्द भी हो सकता है, उसके लिए वहां नमिंग क्रीम लगा, नमिंग स्प्रे, नमिंग नम किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये किया जाता है ऐसी चीजों को निकालने के लिए जिसको नॉर्मली फिर चीरा मारना पड़े, टाका मारना पड़े सुई से या ब्लेड मारना पड़े, जैसे कि वॉट्स, मस्से, काले बड़े मस्से होते हैं जिसको वॉट्स बोलते हैं, कई बार बहुत सारे हो जाते हैं, वायरल वॉट्स होते हैं, नॉर्मल वॉट्स भी होते हैं। वॉट्स को निकालने के लिए कई बार जैसे ना धागे बांध देते हैं और लेजर से भी निकाल सकते हैं, वैसे क्रायोथेरेपी से भी उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया, वो टूट के गिर जाएगा। ऐसे प्री कैंसर स्किन रेशन, स्किन की कोई ऐसे कैंसरस या कैंसर बन ना जाए वाली कंडीशन, ऐसी जगह हो जहां कैंसर जैसा कुछ गांठ सी लग रही है, पता है नहीं है कैंसर, उसको निकालने के लिए। और रेयर केसेस में कुछ प्रकार के स्किन कैंसर को भी क्रायोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है, ना उसको निकाला जा सकता है। और अगर मान लो आप उसको नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, एक बार अगर आपने निकाल लिया, लेकिन उसको आप स्किन बायोप्सी के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं देख सकते कि वो निकाला जो कैंसर था कि नहीं था, तो वो एक साइड इफेक्ट है क्रायोथेरेपी का, समझे। सो अगर वो चेक करना है तो वो पहले चेक करें, फिर उसके बाद उसको निकालें, ऑपरेट करके, लेजर करके, या जैसा भी उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही लगे। रिस्क क्या हो सकता है, ऑब्वियसली जब हम जलाते हैं एक फ्रॉस्ट बाइट जैसा ब्लिस्टर आ सकता है, छाला हो सकता है, अल्सर हो सकता है, पेन होगा ऑब्वियसली, और अगर उसको सही से देखभाल नहीं करें तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। स्कारिंग हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा फ्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया, तो स्कार टिश्यू बन सकता है, और वो एरिया स्किन अंदर तक अगर डैमेज होगा तो सफेद, तो उसके अंदर का मेलानोसाइट डैमेज हो गए तो वाइट वाइट हो जाएगा, उसको फिंगर फ्रीज बोल सकते हैं, सफेद कलर डिस्कलरेशन हो सकता है। तो ये रिस्क इन्वॉल्व्ड, अल्टीमेटली ये कुछ ही जगहों पर डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, और जैसे स्पेशली कोई वॉट्स हो या कोई एक से ज्यादा बार ऑपरेशन की जरूरत हो तो उसको बार बार ठंडा किया जा सकता है। सो ऑब्वियसली वहां पर डैमेज हो रहा है तो वो लाल लग सकती है, थोड़ा बहुत छाला आ सकता है कुछ घंटे तक, सो वो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इन्फेक्शन ना हो इसलिए अपने डॉक्टर से पूरी डिस्कशन करें। और 3-4 दिन तक दर्द रह सकता है, ज़्यादा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें, ज़्यादा उसके बाद वाला, उसके प्रोसीजर के बाद कोई ज़्यादा केयर की और ज़रूरत नहीं होती है, राइट, डे 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे वो देखो एक क्लियर हो जाता है। अगर फिर भी दिक्कत हो रही है तो ड्रेसिंग होती है एक आध बार, और आप उसको रेगुलरली वॉश कर सकते हैं जेंटली, उसके ऊपर एक स्कैब बनेगा जो 1 से 3 हफ्ते के अंदर निकल जाएगा, और अपने डॉक्टर से आप कांटेक्ट में रहें। अगर कोई भी स्वेलिंग आ रही है, कोई इन्फेक्शन जैसा लग रहा है, कोई सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, तो उसके लिए, राइट, क्रायोथेरेपी स्किन के लिए, राइट, इसी को हम वॉट फ्रीजिंग या क्रायो सर्जरी भी बोल सकते हैं। सो ये नाम है इन चीज़ों के। आई होप एक नई चीज़ सीखने को मिली आपको, तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ऐसे ही टॉपिक्स देखना चाहते हैं और, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने लिए अपने तरफ से सजेशंस दें, कौन से टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं और हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट और व्हाट्सएप नंबर है आपके पास। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे